हेलो वेलकम बैक गाइस, यहाँ पे आज मेरे पास फिर से एक नया फोन आ गया है। अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है मोटो का G04 है। तो आज दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस फोन के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स रहता है और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट है, सारा चीज दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो गाइस मेरा नाम है आकाश और आप देखे टेक्नोमास्टर, चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मोटो G04 का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो गाइस यहाँ पे देखिए 16 मेगापिक्सल का AI पोर्ट्रेट कैमरा मिल जाता है, 4GB रैम और 8GB रैम के साथ ये फोन आता है। तो यहाँ पे फटाक से इसे अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल है, कुछ इस तरीके का ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन जो है पूरा केस के साथ आता है, केस लगा हुआ है। तो अभी आपको दिखाता है केस हटा के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का जो लुक है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये मैं ऑरेंज कलर में बाय किया हूँ, इसका और 3 कलर आता है, ब्लैक है, ब्लू है और ग्रीन कलर है। तो फ़ोन की फर्स्ट लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप गाइस कैमरा सेटअप देखिए जो कि काफ़ी मस्त और प्रीमियम लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोटो के एक मस्त प्यारा सा ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। ऊपर में यहाँ पे रैप है, रैप को हटा देते हैं और यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। जब तक दोस्तों यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स कंटेंट दिखा देते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले मैनुअल बुक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलता है। मोटो का एक चार्जर है जो कि 10 वाट का चार्जिंग एडाप्टर मिलता है। टाइप सी का एक डाटा केबल भी दिया गया है। फ़ोन की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। बैक की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑरेंज कलर में बाय किया हूँ, पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसका फील जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों इन हैंड फील काफ़ी मस्त है, हाथ में अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्रंट इंटरफेस मिलता है। ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 90Hz का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। फोन की फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट दिए गए चार्ज करने के लिए, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिलता है, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच दिया गया है। ऊपर की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोन में आपको डॉल्बी एटम का फीचर्स मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पे हेडफोन जैक भी मिलता है। सिम ट्रे की बात करें तो गाइस ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है जिसमें आप 2 नैनो सिम के साथ 1 SD कार्ड आसानी से यूज कर सकते हैं। फोन की बैक की बात करें तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको काफी सारा कलर भी अवेलेबल मिलेगा। कैमरा इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी मस्त और प्यारा लग रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा के ऊपर रिंग टाइप का दिया गया जिससे इसका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। यहाँ पे जो रियर कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। सेकंड में दोस्तों यहाँ पे फ्लैश दिया गया है, कैमरा कटआउट में अंदर में फ्लैश डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा भी लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों ये पॉलीकार्बोनेट है, काफ़ी अच्छा फील देता है, हाथ में काफ़ी प्रीमियम दिखता है। फ़ोन की टच एक्सपीरियंस की बात करें तो गाइस यहाँ पे 90Hz होने के कारण काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से कैमरा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम लेप्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन दिया गया, नाइट का एक अलग सा ऑप्शन दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है, और QR कोड का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको अगर स्कैन वगैरह करना है कोई बार कोड या फिर QR कोड तो उसे स्कैन करके आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक वगैरह में जंप कर सकते हैं। ये फीचर्स भी आपको इस फोन में मिल जाएगा। फोन का UI जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। फोन जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। यूनिसॉक्स का T606 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो आप अगर गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो लो ग्राफिक में काफी मस्त गेम प्ले होता है, तो आप इस फोन को गेमिंग के लिए भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर वो सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट ऑन या फिर ऑफ करना है, इसका सारा दोस्तों मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बना दिया हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर देखना है तो वहां से देख सकते हैं। इस तरीके का स्लाइड बार भी ओपन हो जाता है जिसे आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, काफी सारा फीचर्स है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आप अगर इस फोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो ये फोन आपको 2 वेरिएंट में मिल जाएगा। 464 आप अगर लेते हैं तो 6999 पड़ेगा और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आप 1000 लगा के आप 8GB रैम इसका बाय कर सकते हैं। 8128 आपका पड़ेगा, 7999। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।